अच्छा, जू ही बच्चा पैदा हो तो आपने वैक्सीन सेंटर लेके जाना है, ठीक है, एट बर्थ। ठीक है, दो वैक्सीन लगते हैं, एक BCG का वैक्सीन लगता है, एक पोलियो का। अब BCG जो है ना, ये एंटी टीबी वैक्सीन है, मतलब टीबी के लिए लगता है कि बच्चे को टीबी ना हो। अब ये इंजेक्टेबल फॉर्म में लगता है BCG, 0.05 ml, ठीक है, एंट्राडर्मल लगता है, और ये थाई में लगते हैं बच्चों की या बटक्स में, ठीक है, ये लगता है। और पोलियो का एक वैक्सीन, ठीक है, 2 ड्रॉप्स ऑरली। तो ये दो वैक्सीन एट बर्थ लगते हैं। और एक और बात आपके साथ शेयर करूं कि पाकिस्तान में तो टीबी का मसला बहुत कॉमन है, ठीक है, मतलब हर किसी को टीबी हो जाता है। तो ये वैक्सीन इसी वजह से लगती है कि आपके बच्चे को टीबी ना हो। खुदा न खस्ता टीबी लग जाती है तो, या टीबी के जो जरासीम चले जाते हैं बॉडी में, तो चेस्ट को ख़राब कर देती है, इवन दिमाग को ख़राब कर सकती है, इंटेस्टाइन को ख़राब कर सकती है, ठीक है, इवन इससे तो इंसान की जान चली जाती है। आप खुद सोचो, जब टीबी का जो ट्रीटमेंट है, मैं आपको बताता चलूँ कि खुदा न खास्ता आपको टीबी हो, ठीक है, तो आपको इसकी ट्रीटमेंट 6 महीने लाजमी करनी चाहिए। अगर आप एक दिन भी छोड़ते हो ना, दोबारा से स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो ये 6 महीने, जब आप टी एंटी टीबी ड्रग्स या मेडिसिन खाते हो, इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आपके लीवर को ख़राब कर देता है, आपकी किडनी को, आइस को, बहुत सारे मसले बनाते हैं। तो इसी वजह से वैक्सीन डॉक्टर्स लगाते हैं कि आप जो ही बच्चा पैदा हो तो आप वैक्सीन की तरफ लेके जाओ और वैक्सीन लगाओ। तो ये वैक्सीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वैक्सीन को इग्नोर ना करो, अपने बच्चों को लगाओ, आपके बच्चों की जान बच सकती है, ठीक है। और ये दो वैक्सीन लगते हैं, एक टीबी का, एक पोलियो का। तो ये वीडियो अपने दोस्तों को लाजमी शेयर करें, बहुत सारे लोग हैं, ताकि उन्हें पता चले कि खुदा ना खासा बच्चे को टीबी के बीमारी अगर लग जाए तो आप बड़ों को ख़राब कर देती है, जो 6 6 महीने वो कोर्स करती है टीबी का, उनके लिए कितने मुश्किल होते हैं। तो ये बच्चे को आप जब दोगे तो क्या बनेगा। तो इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि वैक्सीन लगाना मस्ट है। तो एट बर्थ ये दो वैक्सीन लगते हैं। ये वीडियो साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।